वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनजाति वर्ग के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित होने वाले जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना के विशेष विमान से भोपाल पहुंचे थे। विमान लैंडिंग स्थल पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य नेताओं ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री यहां से सीधा हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान के लिए रवाना हुए, जहां वह बिरसा मुंडा की जयंती पर हो रहे जाति गौरव दिवस के भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्बूरी मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 103 वर्षीय बुजुर्ग से भी मुलाकात की, जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वह बुजुर्ग कौन है जिसके साथ पीएम मोदी इतने प्यार और सम्मान के साथ बातें कर रहे हैं। दरअसल उस बुजुर्ग का नाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता है। उनकी उम्र 103 वर्ष है और वह एक स्वतंत्रता सेनानी है। कौन है लक्ष्मी नारायण गुप्ता? देश में बचे इक्के दुक्के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लक्ष्मी नारायण गुप्ता भी हैं। वह अपनी सादगी के लिए खूब जाने जाते हैं। इसके अलावा वह मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व राजस्व मंत्री रह चुके हैं। लक्ष्मी नारायण गुप्ता मध्य प्रदेश के पिछोर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उनके मंत्री कार्यकाल को अच्छे रूप में याद किया जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में लक्ष्मी नारायण गुप्ता नन्ना जी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान निभाया है। लक्ष्मी नारायण गुप्ता आज भी इतने सादगी पसंद है कि आज भी वह मोबाइल फोन तक यूज नहीं करते। आज के दौर की राजनीति में लक्ष्मी नारायण गुप्ता किसी मिसाल से कम नहीं है। ऐसे में जब सोमवार को मोदी ने उनसे मुलाकात की तो पीएम मोदी ने लक्ष्मी नारायण गुप्ता का हालचाल जाना। बातचीत के दौरान पीएम ने स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी नारायण गुप्ता से उनकी सेहत के बारे में पूछा, साथ ही किसी भी किस्म की मदद की दरकार होने पर बेहिचक बताने को कहा। 1952 में पहली बार विधायक बने नन्ना जी। पार्टी के वयोवृद्ध नेता लक्ष्मी नारायण गुप्ता का जन्म 6 जून 1918 को अशोकनगर जिले के ईसागढ़ तहसील में एक छोटे से मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। नन्ना जी ने प्रारंभिक पढ़ाई पूरी कर लिपिक की नौकरी की। 1943 में नौकरी त्याग कर वकालत शुरू करने के साथ समाज सेवा में जुट गए। 1944 में नन्ना जी हिंदू महासभा से जुड़े और 1947 में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो नन्ना जी को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। इसके अलावा वह 1949 में जिला सहकारी केंद्र बैंक में डायरेक्टर भी रहे। 1952 में नन्ना जी पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, फिर वे लगातार 20 वर्षों तक विधायक निर्वाचित होते रहे। लक्ष्मी नारायण गुप्ता 3 बार राजस्व मंत्री रहे हैं। जनसंघ के समय नन्ना जी ने अनेक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होकर 3 महीने जेल यात्रा भी की थी। जम्मू कश्मीर आंदोलन के अलावा बांग्लादेश पुनर्गठन आंदोलन में भी नन्ना जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।